शासकीय महाविद्यालय डभौरा की जगह नष्टीगवा में खोले जाने के विरोध में कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने कलेक्टर को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार डभौरा में शासकीय महाविद्यालय खोला जाना था, परंतु उसके विपरीत सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह के द्वारा नष्टीगवा में कॉलेज खुलवा दिया गया, जिसके विरोध में गांव की जनता पिछले 11 जुलाई से अनशन पर है। गांव के लोगों का कहना है कि नष्टीगवा जंगली क्षेत्र है जो सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, जबकि डभौरा में शासकीय अराजी क्रमांक 1252/1 रकवा 87 एकड़ उपलब्ध है, जहां कॉलेज स्थापित किया जा सकता है। साथ ही यहां सुविधा की दृष्टि से रेलवे स्टेशन, बैंक, ATM, शासकीय अस्पताल, पुलिस थाना, आवासीय दृष्टि से छात्र छात्राओं के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध है। गांव वालों ने मांग पत्र पर विचार न किए जाने की स्थिति में आगामी दिनों में उग्र आंदोलन की बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों को आज डभौरा में कॉलेज देने की घोषणा किए थे 2010 में, अब जाकर मंजूर हुआ कॉलेज। तो हमारे यहाँ के विधायक माननीय दिव्यराज सिंह जी हैं, वो कॉलेज को ले जाकर एक निर्जन स्थान में करीब 15 किलोमीटर दूरी पर कर दिए हैं डभौरा से नष्टीगवा, जहाँ पर न तो सड़क है, न कोई आवागमन की सुविधा है, न कोई किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। वहाँ पे बच्चे न रह सकते, किराए के मकान भी नहीं मिलेंगे, जबकि डभौरा हमारा जो है वो रेलवे स्टेशन है, 2-3-4 बैंक हैं, पुलिस स्टेशन है, SDOP कार्यालय है, शासकीय हॉस्पिटल है और आवागमन के चारों तरफ से साधन से जुड़ा हुआ है और हर तरीके के सुविधा संपन्न वहाँ पर है। हर चाहे लेक्चरर जाए, प्रोफेसर जाए या बच्चे जाए, बच्चियाँ जाए, सब के लिए सुरक्षित स्थान है, सबको रहने की जगह है, सबको हर सामान मिलता है, मिलेगा। मगर नष्टीगवा में अगर किसी का सिर दर्द होगा तो एक तो सिर दर्द की गोली नहीं मिलेगी, जिसके कारण वहाँ पर बिल्कुल निर्जन स्थान में किसी का अपहरण हो सकता है। हमारा तराई क्षेत्र डकैतग्रस्त क्षेत्र है।